मोनालिसा पेंटिंग, इसे बनाया था लियोनार्डो द विंची ने 1503 में इटली में। बाद में लियोनार्डो फ्रांस के राजा लुई के यहाँ पर नौकरी करने लगे थे। लियोनार्डो के देहांत के बाद इस पेंटिंग को महल में ही रखा गया। 1804 के अंदर फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के पास इस पेंटिंग को म्यूजियम में बेच दिया गया, लूवर म्यूजियम के अंदर। लेकिन 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई। विंसे जो पेरुगिया नाम के इंसान ने इसको चुरा लिया था, जो एक कारपेंटर का काम करते थे, वो उसको ले गए वापस इटली में। उनको लगा कि ये मेरे देश की अमानत है, मैं उसको वहीं पर बेचूंगा। 26 घंटे तक ये पेंटिंग गायब रही। उसके बाद पता चला कि पेंटिंग चोरी हो गए है। आखिरकार चोरी पकड़ी गई, पेंटिंग मिल गई। लेकिन तब तक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, पूरी दुनिया भर के अंदर चारों तरफ मोनालिसा के ही चर्चे होने लगे थे। आखिरकार पेंटिंग को वापस म्यूजियम में बेच दिया गया। लेकिन ये सारे चक्कर के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग जो पहले इतनी फेमस थी नहीं, लेकिन चोरी के बाद दुनिया भर के अंदर रातों रात मशहूर हो गई। आज की बात करें तो इसे देखने के लिए हर साल 10.2 मिलियन लोग आते हैं।